आज हम चलते हैं मैनपाट। मैनपाट अंबिकापुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैनपाट विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ तिब्बती लोगों का जीवन एवं बौद्ध मंदिर आकर्षण का केंद्र है। ये जगह कालीन और पोमेरियन कुत्तों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अभी हम सबसे पहले जाने वाले हैं टाइगर पॉइंट। मौसम बहुत ज्यादा खुशनुमा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये हम पहुंच गए हैं टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट मैनपाट की एक बहुत ही सुंदर जगह है। इस जगह को टाइगर पॉइंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों के अनुसार बहुत बार टाइगर को देखा जा चुका है। यहाँ पर आपको एक सुंदर झरना देखने के लिए मिलता है। ये झरना लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है और गिरते हुए बहुत ही सुंदर लगता है। बरसात में इसमें पानी भर जाता है तब यहाँ का मौसम और ज़्यादा मनोरम हो जाता है। झरने के लिए नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ियों से झरने के नीचे जाया जा सकता है और नीचे जाके घूमा भी जा सकता है। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा समय बिताया जा सकता है। यहाँ पर झरने के नीचे नहाने का मजा भी लिया जा सकता है। देखिए कितना सुंदर और कितना मनोरम दृश्य है। ये नीचे की जगह है जहां पर जाकर नहाया जाता है। यही कई बार टाइगर देखने के लिए मिलता है। ऊपर भी बैठने के लिए काफी जगह बनी हुई है और बहुत अच्छा उद्यान बना हुआ है जहां पर लोग आकर पिकनिक मना सकते हैं। ऊपर से भी ये दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। फोटो खींचने लायक तो जगह है ही। दूर दूर तक विंध्य पर्वतमाला दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ आकर पिकनिक मनाया जा सकता है। बहुत अच्छा समय यहाँ पर बिताया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है परपटिया सनसेट पॉइंट। जैसा कि नाम से पता चलता है ये एक ऐसा स्थान है जहां पर यात्री सूर्यास्त का सबसे आश्चर्यजनक दृश्य देख सकते हैं, यानी कि यहां पर हम सनसेट होते हुए देख सकते हैं। यह पर्यटन स्थल मुख्य गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भव्य सूर्यास्त से लेकर पहाड़ियों के मनोरम दृश्य तक यह प्रकृति फोटोग्राफी के लिए एक आकर्षण स्थान है। अब हम चलते हैं जलजली। जलजली मैनपाट की एक आश्चर्यजनक जगह है। इस जगह को दलदली और उछलती जमीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जब आप जमीन में उछलते हैं तो जमीन भी आपके साथ उछलती है। यहाँ पर आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आकर लोग जमीन में उछलते हैं और बच्चों को यहाँ पर बहुत मजा आता है। यहाँ आकर हॉर्स राइडिंग का भी मजा लिया जा सकता है। ये हम सब लोग कूद कूद कर इस जमीन को देख रहे हैं और वाकई ये जमीन अपने आप हिल रही है। हम लोग को तो डर लग रहा है कि कहीं ये जमीन धस नहीं जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। बच्चे अपने आप में बहुत एंजॉय कर रहे थे और हम सब लोग बार बार ट्राई करके देख रहे थे कि वाकई ये जमीन हर जगह से हिलती है। दूसरी जगह आकर भी हमने इसी चीज को ट्राई किया और हमें इस जगह भी जमीन हिलती हुई दिखाई दी। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्लियर हिल रही थी। सब लोग कूद रहे थे और मुझे लग रहा था मैं भी हिल रही हूँ जमीन के साथ साथ। जमीन को हम लोगों ने थोड़ा टेस्ट भी किया कि जमीन के नीचे हमें क्या महसूस होता है।
पर सिर्फ दलदली जमीन के अलावा और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। हम लोगों ने इस जगह पे खूब एंजॉय किया, हमने डांस भी किया। ये भी अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव था। अब चलते हैं अब उल्टा पानी। उल्टा पानी को बीसर पानी भी कहा जाता है। ये मैनपाट में स्थित एक आश्चर्यजनक जगह है। उल्टा पानी को कुदरत का करिश्मा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी ऊपर की तरफ पहाड़ी की तरफ बह रहा हो। इस तरह का हमें यहाँ पर देखने से लगता है। उल्टा पानी में पानी का उद्गम एक पेड़ के पास पत्थर के नीचे से हुआ है और ये पानी आगे की तरफ 185 मीटर चलकर नीचे नाली की तरह बह जाता है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि पानी नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है। देखिए, हम लोगों ने एक बॉटल को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर की तरफ बहती चली जा रही है। हालांकि इस वक्त पानी बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर लोग बताते हैं कि जब पानी बहुत ज़्यादा रहता है तब चीज़ें अपने आप ऊपर की ओर बहती हुई दिखाई देती है। ये देखिए, दोनों भी अपने आप ऊपर की ओर बह रहे हैं। बीच बीच में ये अटक जाते हैं जिन्हें हमें निकालते हैं, लेकिन ये फोर्स से ऊपर की तरफ अपने आप बह रहे हैं। हम लोगों ने नीचे की तरफ जाकर पानी के सोर्स की ओर भी देखा, ये पानी कहाँ से बहता हुआ आ रहा था। तो वाकई ये पानी का एक उद्गम स्थल है जहाँ से ये बिल्कुल कम मात्रा में निकलता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आता है। और वाकई ये हमें उल्टा ऊपर की ओर बहता हुआ दिखाई देता है। देखिए, क्लियरली हमें दिख रहा है पानी ऊपर की ओर बहता हुआ। हम इसको पूरा एंड तक जाकर देखेंगे। और ये पानी हमें ऊपर की ओर क्लियरली बहता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है यहाँ की, इसीलिए इसे उल्टा पानी यानी यहाँ की भाषा में बिसर पानी कहा जाता है। ये देखिए, पेपर अपने आप ऊपर की ओर बह रहा है। यहां पर एक और अजूबा होता है। यहां पर गाड़ी को अगर न्यूट्रल में खड़ा कर दिया जाए तो गाड़ी अपने आप खुद आगे की ओर बढ़ती है और कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है जिससे गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती है। इस जगह पर बहुत सारे लोग इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते मिल जाते हैं। हम लोगों ने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया। यह जगह अपने इन अजूबों के कारण प्रसिद्ध है और हर साल यहाँ पर पर्यटक ये नज़ारे देखने के लिए आते हैं। देखिए, ये हमारी गाड़ी न्यूट्रल में है और अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट चल रही है। ये तो मैं गाड़ी के बाहर हूँ, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ के भी इस चीज़ को फील करूँगी। अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और हमारी गाड़ी पूरी तरह से न्यूट्रल में है। कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, कुछ नहीं कर रहा। वाकई ये फील करना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। अगर आप लोग मैनपाट जाएं तो इस जगह को विजिट करना मत भूलिएगा। सोचो, ये तो ढुलकना चाहिए गाड़ी। तो गाड़ी बंद है और उल्टा चढ़ रही है भैया। गाड़ी बंद है, लायक है। ये गाड़ी हमारी अपने आप चल रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट, बहुत बढ़िया, शानदार। इस जगह का नाम है उल्टा पानी और ये बहुत ही सुंदर। सबसे मजे की बात है कि हम लोग पूरी लोडेड गाड़ी है। और अपने आप चलकर रुक जाती है। चलो, वाह,
वेरी गुड एक्सपीरियंस यार, वेरी गुड एक्सपीरियंस, भगवान का ही दिए ने बोला। देखिए बिना स्टार्ट हुए हमारी घड़ी आगे तक चलकर अब रुक जाएगी, है ना, ये अपने अपने एक अलग अनुभव। तो अगर आप मैनपाट जाने का या अंबिकापुर जाने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो इन चीजों को देखना ना भूलिएगा, ये सब अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। यही तक है, यही तक, ये थोड़ी दूर का है ना, ऊंचा पानी के समान ऊंचा गाड़ी।